पहला बार तो हुण जेल च भी किसान हो रहा करजई। किसान नू जेल च 7 दिन कट्टण कारण खर्चने पै गए इन्ने रुपए। बाकियां लई रोटी फ्री ते किसानां नू खाणी पई मुल। डिफाल्टरां दा टैग दे हुण किसानां नू जेल च कट्टने पै रहे दिन। वकील तो लै के खाण दा खर्चा किसानां दे करजे च हो रहा जमा। किसानां दी जून बुरी, इह गल असीं इस करके कही क्योंकि बीते कुछ दिनों तो किसानां नाल जो बीत रहा है उसते शायद ये तुक्कां सही बैठदियां ने। किते नीली छत वाला किसानां दीआं फसलां नूं तबाह कर रहा है अते किते सरकारां लोकां दा ढिड भरन वालियां ते तसीहे ढा रहीआं ने। ये उही किसान ने जिन्हां नूं दिन तो लै के रातां तक कोई चैन नहीं है। पर हालात ये पैदा हो गए ने कि सरकारां करजे ना देण वाले किसानां नूं डिफाल्टर बना के जेलां विच सुट रही ने। किसान दी जून इत्थे ही नहीं मुकदी, जेलां च भी उसे किसान नूं खाण पीण लई पैसे भरने पैंदे ने। गल कर रहे हां दो किसानां दी जिन्हां नूं नवीं सरकार दे ऐलान तों बाद करजा ना दे सकण कारण डिफाल्टरां दा टैग दे के जेल भेज दिता गया। ये उही किसान ने जो महंगाई दी मार झेल रहे सी अते हुण फसलां दा मुल पूरा ना मिलण कारण मुश्किलां दा सामना कर रहे सी। हालात ये पैदा हो जाते हैं कि इन दोहां किसानां नूं 13 अप्रैल तो लै के 20 अप्रैल तक जेल च रहना पैंदा है अते रोटी मुल दी खाणी पैंदी है। हालांकि दोवें किसान बाकी कैदियों नाल वखरे सी, वखरे इस करके सी कि दोहां किसानां नूं अपने रोटी पानी दा इंतजाम खुद ही करना पिया। वेरव्या मुताबक जेल च रहिंदे कैदियों नूं सरकारां खाण पीण मुहैया करवाउंदियां ने, पर शायद नवा टैग दे के किसानां नूं नवा जोखम झेलना पै रहा है। एक गल तां उही हो गई कि किसान जिथे मर्जी होवे पल्ले तके ही ने अते जून सच्ची उसकी माड़ी ही है। हैरानी उस वेले हुंदी है जद 7 दिन खाण पीण तो लै के सरकारी वकील तक का खर्चा भी किसानां दे करजे च जमा कर दिता जांदा है। वड्डी गल तां इह है कि किसान नूं एक हफ्ते विच 320 रुपए का खर्चा झेलना पिया। जे हर रोज़ का हिसाब लगाइए तो करीब 40 रुपए का बनता है। यही नहीं, एक वरंट ते किसान नूं 40 दिनों तक जेल च रखा जा सकता है, वह भी उदों जब किसान अपना कर्जा मोड़न विच असमर्थ हुंदा है। बेशक पंजाब दे लोकां ने बदला लिया, भाव नवी पार्टी ने चुनिया, पर यह बदलाव शायद किसानां नूं महंगा पैंदा साबत हो रहा है। सरकारां कई आईयां ते कई गईयां, पर किसी ने भी किसानां दी सार लैण दी बजाए हथ पछां नूं खिच ले। ये उही किसान ने जो हर साल मुआवजे की मंग करन लई डांगा सोटे खांदे ने, पर आखिर ते शायद जेल ही नसीब हुंदी है। किसानां नाल हो रही धक्काशाही नूं लै के तुहाडी की राय है या तुसीं की कहना चाहुंदे हो सानूं कमेंट करके जरूर दस्सिओ। प्रो पंजाब टीवी लई खुशदीप जस्सी दी रिपोर्ट।